And when a girl of 8, 9, 10 years of age, she tries out new dresses, there is a collective awe moment inside the entire show. Like, girl tries a new dress, parents are like, oh my God, my daughter is looking like a doll. Like a princess. Ek ladka nahi jeans try karta, bahar nikalta, baap ka door se question. Beta, yahan se tight to nahi hai. मेरे घर वालों का दिक्कत क्या है, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, दे आर नेवर राइट टू बिलीव आई कैन ग्रो अप इन लाइफ. लाइक मुझे लगता है मैं कुछ भी बना लूंगा. मेरे को रिसेंटली जाना था घूमने के लिए, तो मैंने परमिशन मांगी थी. बट मेरे को तब याद आया कि मैं जा रहा हूँ अकेले घूमने, और सोलो ट्रैवल समझाना मुश्किल है. क्या है ज्ञान पेल लोगे? मम्मी आई वॉन्ट टू गो टू द माउंटेन्स. मगर बेटा अकेले? माँ आई हैव सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन माई लाइफ. I want to search myself. I want to search my soul. Beta, dhuli hui jurabe tumhe milti nahi, soul dhoondo jaake soul. Aaye bade Dalai Lama tumhe. Yahi reason hai India is not able to produce good quality spiritual leaders. Mummy ya kahin akele jaane teri kahin. Dekho. तुम गए हो मैकडॉनल्ड्स घूमने, वहाँ पे साधु मिले, उन्होंने बोला आओ तुम ज्ञान देते. तुम ज्ञान लेने हिमालय गए, 8 महीने में वापस आए, घर की बैल मारी, मम्मी सरकाजम दे रही है, और राजकुमार आ गई याद घर की. मगर तुम ज्ञान लेके आए हो. लाइक मम्मी डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, बिकॉज आई फील द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज पास तो लेन. ओ तू चुप रहा, तेरे को नंगा घूमते थे. वो मानने को तैयार ही नहीं. आई कैन ग्रो, आई हैड टू गेट मैरिड जस्ट टू प्रूव टू देम कि हाँ लड़का जवान हो चुका. आई गॉट मैरिड लाइक 2 ईयर्स बैक एंड आई मैरिड माई गर्लफ्रेंड बाय द वे. जलो मत. तो मैम आई डेटेड माई गर्लफ्रेंड फॉर 11 ईयर्स बिफोर गेटिंग मैरिड एंड हाँ दिस इज द पॉइंट व्हेन यू से ओह. मैं कुछ लोग कठोर हो सालो. लाइक हर रिलेशनशिप का कोई मोमेंट होता है ना, विच इज़ लाइक द टॉप ऑफ द लिस्ट के ये बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का. तो रिलेशनशिप का बेसिकली, तो मेरे रिलेशनशिप का मोमेंट था दैट शी प्रपोज, विच इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू गाइज टू बिलीव बिकॉज लुक एट ऑल ऑफ दिस मैन, लाइक ऑलमोस्ट 6 फीट ऑफ शेयर लग्जरी. मगर अब इतना बढ़िया मैं एकदम. When she proposed me, I was a teenager and I was not a very good looking teenager. Like ladkon ki umar hoti hai to tumhare gande gande pimples nikal rahe hote. Amrish puri tarah awaaz bhari ho rahi hai. Body mein aur bhi changes, but let's not get carried away. Us time samne proposed, I was confused kyunki ladkon mein na inferiority complex hota hai. Aur mere andar itna ki jab bhi hum ghumne aate the na, I never had the courage to hold her hand while walking. Kyunki mujhe lagta tha sari duniya yahi soch rahi hogi. इतनी सुंदर लड़की इसके साथ क्या. बिकॉज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी इज वी ऑलवेज जज कपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लुक्स. ये सुनो, 8-10 लोग 15 लोग बोल रहे हैं यस, बाकी नहीं नहीं, वी नेवर जज बाय लुक्स, वी लुक एट द काइंड ऑफ ह्यूमन बींग यू आर. घंटा. We always judge couples on the basis of their looks. तो my life में at least एक कपल ऐसा जरूर है जिसको तुम देखते हो और सोचते हो क्या मजबूरी है लड़की की. इसके बाप ने कोई लोन वो ले रखा है क्या? थैंक यू, वेरी गुड. हमने 1 साल तक डेट किया, फिर हम स्कूल से पास आउट हो गए एंड वी वेंट टू 2 डिफरेंट कॉलेजेस इन 2 डिफरेंट सिटीज. दैट इज वेन द रियल टेस्ट ऑफ लव कम्स इन. मगर मुझे पता था रिलेशनशिप चल जाएगा, बिकॉज नो बिटवीन 2 पीपल देयर इज अ स्पेशल बॉन्ड दैट बाइंड्स यू टुगेदर एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज. क्या कुछ गंदा बोला क्या आपने? क्या कुछ क्या बोला फेविकॉल? ओहो अंकल आंटी पीजे, शाबाश, बढ़िया. मुझे लग रहा है कि टिकट महंगी रखनी चाहिए थी. सेल फोन डज नॉट मैटर हाउ क्लोज और हाउ फार यू लिव फ्रॉम अ गर्लफ्रेंड.
जब तक रात को सोने से पहले पौना घंटा बात ना करना. यू आर नॉट गिविंग योर 100% टू द रिलेशनशिप. रात रात जाग के बात है, जब तक तुम्हारी आंखों पे महबूब के नाम के डार्क सर्कल आना हो. मेरे पिछले फ्लैट में रूममेट था, अपनी बंदी से हर रात बात करता था अबाउट रैंडम शिट के. आज आपके ऑफिस में क्या हुआ? ओ अप्रेजल आया, हमें भी लेटर्स मिले थे. अच्छा बारिश हुई, हमारे भी काफी पानी खड़ा था. भूत हैं तुम लोग, सेम ही ऑफिस में काम करते हो. वो दो गली छोड़ के रहती है, तो 15 मिनट पहले उसको ड्रॉप करके आया. तेरे बदन में से अभी उसकी खुशबू आ रही थी. तुझे क्या लगता है हम तेरे को जफ्फियां डाल के क्यों सोते हैं? कौन सिंपल रूल ऑफ रिलेशनशिप, व्हेन योर पार्टनर आस्क फॉर अपडेट्स यू गिव अपडेट्स. क्योंकि अगर तुम अपडेट ना दो तो उनके दिमाग में एक स्टोरी पहले से है. लाइक मेरी बंदी के दिमाग में होता है अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैं किसी पराई औरत के साथ. लाइक हाउ नेगेटिव आर यू अबाउट लाइफ? कांट यू बी लिटिल बिट पॉजिटिव लाइक माई पेरेंट्स, जिनको रिप्लाई ना करो तो इतना लगता है कि मुझे ट्रक ने उड़ा दिया है. Does not matter who you are, does not matter where you are. When your lady asks for updates, you give updates. No, तुम कुछ you could be a pilot of a fighter jet who is going to drop a bomb. But when your lady asks, I am flying to the north. ETA 1.5 minutes. Target 1 o'clock. हाँ baby bomb रख लिया था. हाँ मेरा बूबू ध्यान से गिराऊंगा ना. चल रुक के बात करता हूँ काम पे भी थोड़ा समय. अबे नहीं गुस्सा हो रहा है यार. अबे रुक जा, टारगेट निकल गया, पैंच मार के आना पड़े. पीपल से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. नहीं, रिलेशनशिप इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. ग्राहम बेल ने फोन ऐसे नहीं बनाया था भाई साहब, बंदी का चक्कर. उसकी बंदी काफी दूर रहती थी, पहले उसको लंबी लंबी चिट्ठियां लिखता था कि आज मैंने ये इन्वेंट कर दिया, आज वो इन्वेंट कर दिया, बाकी इन्वेंटर फुद्दू है, तेनू काला चश्मा चाहिए. तो बंदी दूर रहती थी, इसने चिट्ठी लिखी, 3 दिन में चिट्ठी पहुंची, 6 दिन में जवाब आया. इसने बड़े प्यार से जवाब खोला, अंदर लिखा था और बताओ. मुझे यही सब करना, फोन ना बना लो अपना. माई गर्लफ्रेंड वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट वेडिंग बिकॉज हमने 11 साल डेट किया. 11 साल के बाद शी वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट लाइक सो एक्साइटेड. उसने फेसबुक पे इमीडिएटली रिलेशनशिप पोस्ट कर दी दैट मैरिड टू जस्ट प्रीस्ट सिंह. इट वॉज सो इमीडिएट, उसके नीचे कमेंट करना पड़ा कि फेरे तो कंप्लीट होने दे. उसके नीचे उसका कमेंट आ गया तो फेरों के पीछे फोन के यूज कर रहा है. नीचे मैंने कमेंट कर दिया सेम टू यू बैक टू यू नो रिटर्न्स. 5 मिनट रुको, डैडी का कमेंट आ गया, तेरे को नंगा घूमते हुए देखा हुआ. ज्यादा डेट नहीं करना चाहिए वैसे. शादी मतलब जल्दी थोड़ी डेट करो, शादी कर लो, पता बिकॉज यू आर नेवर रेडी फॉर द ट्रांजिशन. लाइक मैंने 11 साल डेट किया है तो शादी के बाद ना मैं रेडी ही नहीं था. लाइक शादी करानी थी मेरे को, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं रेडी. लाइक पहले 5-7 महीने तो मैं ऐसे रात को बीवी के साथ घूम रहा हूँ और डैडी का कॉल आ जाए कहाँ पे है, कहाँ पे है. हमने पापा दोस्तों के साथ है, दोस्तों के साथ. दिस वन थिंग आई ऑलवेज शेयर विद पीपल. यहाँ पे कुछ यू हैव अनमैरिड मैन इन द रूम, राइट? तो दिस वन थिंग आई ऑलवेज शेयर विद अनमैरिड मैन इन द रूम दैट इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल एंड यू वॉन्ट टू टेक इट टू द पॉइंट ऑफ मैरिज, जस्ट मेक श्योर कि इससे पहले कि समाज की फुद्दू बातों में घुसोगे, पेरेंट्स का मिलना लेन देन होना रोका वो कौन जो भी तुम्हारे यहाँ पे होता है, जस्ट मेक श्योर बिफोर यू गेट इन ऑल दीज थिंग्स यू टेक योर गर्लफ्रेंड आउट to meet your mother because that is the most important point of your life. To isi pavan soch ke sath main le gaya aur maine diya milwa. To scene aisa, mummy ko na yakeen tha nahi ki hum log shaadi karenge because that is the kind of generation we are living in right now. Like tumhe se bhi log lage tinder mein mast left right ghisne ekdam. Mahol aisa, logon ko relationship bhi aajkal ghar pe delivered chahiye bhai sahab. तो मम्मी को यकीन था नहीं, उन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लेगा बेटा शादी वादी का कोई सीन है या ऐसे अयाशियाँ ही चलने वाला.
And my girlfriend panicked. She was not able to answer it. I had to pitch in. मैं क्या बात कर रहा हूँ? लड़कियों के लिए बिल्कुल शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं एफडी में डाल के क्या बात कर रहे हैं मैं सोच रहा बुलेट भेज के ऑल्टो ले लूँ काम आएगी हम दोनों का मैं हम दोनों के लिए घर ढूंढ रहा हूँ उसके डैड से मिल चुका मॉम से मिल चुका छोटे भाई से मिल चुका जल्दी उनको आपसे मिलूंगा घर के अंदर बैठ के बात करते आप टेंशन को ले रहे मैं मम्मी आप टेंशन मत लो मैं देख रहा हूँ मम्मी ले बेटा तू तो चुप ही रहा कर आज इस लड़की के सामने इतनी बड़ी बातें कर ना बेटा तू कर को ना That was the only time my mom said this and I was not embarrassed. In fact, I was scared. Aage se bandi ye na bolte. Auntie, same pin, same pin. Thanks for listening. My name is Jaspreet. You guys are great.